पता नहीं था कि हमारी क्या डिमांड है, तो वो पेपर के और मीडिया के थ्रू उनको जानकारी दी है, तो हमारे मतलब फ़ोन भी आया था सुबह, फिर वो मिलने भी चले आए कि मतलब आपकी क्या परेशानी है, क्या डिमांड है। तो सारी डिमांड वो भी अर्जी हम सबके सामने हमने रख दी है, तो वो सब लिख कर ले गए हैं। बोले कि ठीक है, ये मतलब हम आपकी बात हम पहुँचाएँगे कब तक, अगर पूरी हो जाती है तो आप क्या करेंगे। तो भाई अगर हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर नहीं पूरी होती है तो जो हमारी बात है वही रहेगी। 20 तारीख को हम जा कर के वापस। प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपकी मुख्य मांगे थी वो क्या क्या थी, और डीएम साहब ने उस पर क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिए सर अभी ये कि वो बात पहुँचाएँगे, वो तो अपने तरफ से जो भी है भाई बोल कर गए हैं, लेकिन अब जो उनको ऊपर पहुँचाएंगे बात, अब क्या कि उनके बीच में बात होती है वो हमें कल तक बताएंगे। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद साहिद जी के नाम पर लखनऊ में स्टेडियम, लेकिन वो तो बनारस के थे ना, बनारस में भी स्टेडियम होना चाहिए, वो यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे खेल के बड़े हुए, नाम कमाया, तो उनके नाम से यहाँ पर भी तो स्टेडियम एक होना चाहिए ना। क्या होगा अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है? पूरी नहीं होती है तो हम सब अवार्ड ले करके जाएंगे, गोल्ड मेडल या अर्जुन अवार्ड पद्म श्री सम्मान लिया करके प्रधानमंत्री जी को हम वापस करेंगे। प्रधानमंत्री जी से उम्मीदें हैं? हाँ, उनसे तो उन्हीं से उम्मीद है, अगर जो कुछ भी कर सकते हैं वही कर सकते हैं हमारे।